तो दोस्तों तरबूज की इस क्रॉप में मैंने आखिरी फर्टिगेशन किया था आज से करीब 10 से 11 दिन पहले, और जो आखिरी फर्टिगेशन जो मैंने किया था वो किया था एनपीके 0050 का फर्टिगेशन। और दोस्तों वो फर्टिगेशन करने के बाद में आज 10-11 दिन बाद में उसका क्या रिजल्ट मिला है हमें, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों एनपीके 0050 का जिस समय हमने अपनी क्रॉप में फर्टिगेशन किया था उस समय जो बड़े तरबूज हैं उनकी जो साइज थी वो कुछ इस तरह की थी, यानी कि 1.5 से 2 केजी तक की साइज थी उस समय। और आज करीब 10 से 11 दिन बाद में तो जो फल उस समय 1.5 से 2 केजी तक के थे उनकी जो साइज है अभी 3.5 से 4 केजी तक की हो गई है। और अभी जो आप फल देख रहे हैं ये तो करीब 4.5 केजी तक का होगा क्योंकि इसकी साइज मुझे कुछ ज्यादा लग रही है। दोस्तों उस फर्टिगेशन के बाद में जो तरबूज की साइज है वो तो काफी शानदार मिली है, इसका कलर और जो इसकी चमक है वो भी काफी शानदार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एनपीके 0050 के फर्टिगेशन के बाद में आपका जो तरबूज है उसकी सेफ तो शानदार हो ही जाती है, उसका जो ऊपर का कलर है उसमें भी काफी शाइनिंग आ जाती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें एक तरह से चमक आ जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ फलों का वजन दिखाता हूँ कि कितना शानदार वजन हमें इसका मिला है। यहाँ पे देखिए आप, तरबूज का जो वजन है वो काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है इस फर्टिगेशन के बाद में। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो इसका अंदर का जो कलर होता है यानी तरबूज का जो लाल कलर होता है उसमें भी एनपीके 0050 के फर्टिगेशन के बाद में कुछ बदलाव आते हैं या नहीं आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और लाइव में आपको दिखाऊंगा भी वीडियो में, तरबूज को भी दिखाऊंगा, अंदर से भी दिखाऊंगा कि किस तरह का तरबूज आपको मिल जाता है। जो अंदर से तरबूज का कलर है गहरा लाल कलर आपको मिलता है तो आपका जो तरबूज है कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी होती है वो आपको बेहतर मिलती है एनपीके 0050 के फर्टिगेशन के बाद में। तो अभी हम तरबूज को काटकर भी देखेंगे कि अंदर से किस तरह का निकल रहा है, लेकिन पहले हम आपको कुछ तरबूज की कुछ फलों की जो है साइज दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आप कितनी शानदार साइज मिली है, और तरबूज की जो सेफ है वो देखिए आप कितनी शानदार मिली है। कुछ फल और दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप कितना अच्छा साइज मिला है, और ये भी करीब 3 से 3.5 केजी तक का होगा, और यहाँ पर देखिए 4 से 4.5 केजी तक का ये साइज है इस तरबूज का। यहाँ पे अगर हम वजन की यहाँ पे बात करें तो करीब 4.5 केजी से कम नहीं होगा इसका वजन, और अंदर से कैसा निकलने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए एक ही बेल पर 2 तरबूज हैं और दोनों की जो साइज़ है वो काफ़ी शानदार हमें मिल रही है। अगर आप एनपीके 0050 का फर्टिगेशन करते हैं दोस्तों तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो तरबूज की साइज़ है और उसका जो वज़न है वो काफ़ी बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी आपको शानदार मिल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।